अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये पिछले कुछ दिनों में ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था इंग्लैंड में और आयरलैंड में। बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी कंडीशन थी और स्टॉर्म की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, स्पेशली इंग्लैंड वाली साइड पे। लंदन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं, डबलिन में भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में रही है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बचत रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा बैड वेदर था। अच्छा, हम लोगों को जाना था नॉर्दर्न आयरलैंड, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को जो है वो मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। तो हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था 10:15 पे। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े। 4 घंटे का सफ़र है, लेकिन क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं साथ में तो हम लोगों को रास्ते में थोड़ा सा जो है ब्रेक वगैरह भी लेना पड़ा बच्चों की वजह से। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा हो गया था, और फिर मौसम भी ख़राब था तो इसलिए थोड़ा ईजी हो गया है। तो आयरलैंड के दो पार्ट हो चुके हैं, तो नॉर्थ जो है वो इंग्लैंड के साथ चला गया है, और आयरलैंड की एक साइड पे जो है वो यूरोज़ यूज़ होते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो स्टर्लिंग यूज़ होते हैं। करेंसी चेंज हो गई है, ऑब्वियसली लैंग्वेज का जो सारे एक्सेंट है वो भी चेंज हो जाता है वहाँ पे। और इसके अलावा वो यूके से बिल्कुल बिल्कुल यूके के साथ मिल चुका है, बेलफास्ट में और साथ में पे यूके। लाइक अगर आप इंग्लैंड में हो तो इंग्लैंड से आप आराम से इजीली बेलफास्ट आ सकते हो ट्रैवल करके, और मतलब आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्थ में हो और नॉर्थ से अगर आपने इधर इस साइड पे आना है, आयरलैंड में आना है, और तो आके आप आराम से अपने किसी भी रिलेटिव को मिल सकते हैं। तो फ़िलहाल मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। हम लोगों ने रॉसकॉमन क्रॉस किया, अभी फ़िलहाल रॉसकॉमन की तरफ जा रहे हैं। रॉसकॉमन, देन लॉन्गफर्ड एंड देन उसके बाद स्मॉल स्मॉल टाउन आते हैं एक दो बीच में वो निकल के, और उसके बाद खैवन, और खैवन के बाद जो है उसके बाद। तो फ़िलहाल अभी हम रॉसकॉमन पहुँचे थे और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ये अपना ट्रैवल ज़रूर शेयर करूं, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, उन लोगों के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैंने जो बड़े बड़े टाउन थे उनके नाम आप लोगों को बता दिए हैं, और जो स्मॉल उसके दरमियान में जो छोटे टाउन आते हैं ऑब्वियसली वो उनको क्रॉस करना था, और उनके नाम तो जो थे वो मुझे खुद भी नहीं याद रहते हैं। तो फ़िलहाल जो था मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम नॉर्दर्न आयरलैंड गई थी तो मुझे क्योंकि वहाँ पे साइन, ये जो ट्रैफिक के जो रोड के साइंस होते हैं ये भी वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे बिल्कुल सारा टोटली यूके बेस्ड हो जाता है वहाँ पे सारा कुछ स्टर्लिंग में। इसके अलावा आयरलैंड की तरह जो है वहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे शॉप्स डिफरेंट हैं, और इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वहाँ पे थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली बेलफास्ट जाके तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल अभी टाइम हो चुका है 11:30 का, और अभी हम लोग पहुँचे हैं लॉन्गफोर्ड में। तो 1 घंटा लगा हमें लॉन्गफोर्ड पहुँचने में, तकरीबन 1.25 घंटा। हम 10:15 बजे निकले थे और 11:30 बजे तक हम लॉन्गफोर्ड पहुँच गए थे। तो ट्रैफिक इतनी बिजी नहीं थी तो इसलिए जो है वो हम लोग 1.25 घंटे में जो है वो लॉन्गफोर्ड पहुँच गए थे।
और लॉन्गफोर्ड भी जो है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट टाउन में से एक है, और आगे इसके बाद खैवन भी आएगा, और खैवन भी जो है वो भी एक अच्छा बड़ा टाउन है। तो अभी 12:15 हो गए थे और हम लोग लॉन्गफोर्ड क्रॉस कर गया। लॉन्गफोर्ड के बाद हम लोगों ने उसके बाद अगला जो था वो एडवेस टाउन था। एडवेस टाउन के बाद उसके बाद फिर हम लोग हेवन के लिए निकल पड़े थे। हम लोग जब यूजुअली जब निकलते हैं ना, तो हम लोग रास्ते में कहीं पे स्टॉप नहीं करते। बच्चों ने अगर टॉयलेट जाना है या फिर अगर हम लोग को कुछ चाय वगैरह लेनी है तो हम लोग कहीं रुक जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग सीधा खैवन में जाके स्टॉप करते हैं। खैवन में इसलिए स्टॉप करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम फिर अगर चाय कॉफ़ी लेनी होती है वो भी ले लेते हैं, और इसके अलावा ईजीली दो दो 2.5 घंटे जो है वो सफ़र निकल जाता है। खैवन जाते जाते 2.5 घंटे आराम से लगते हैं, 2.5 से पौने 3 घंटे। तो उसके बाद फिर आगे जो है वो 2 2 घंटे का आराम से सफ़र होता है, तो वो आराम से निकल जाता है फिर। तो अभी ये 1:15 का टाइम हो गया है और अभी हम लोग जो हैं वो कैबिन पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत मज़े का सीन एक आया था। काश कि मुझे कॉपीराइट क्लेम ना आता, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं इसके बीच में जो है ना वो धूम का म्यूज़िक एक लगा के देती। बहुत सारी बाइकर्स जो थे ना वो आए थे, तो मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे उनको देख के। तो हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक थी तो स्टॉप किया हुआ था, तो उस दौरान दूसरी साइड से जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स जो थे वो यहाँ पे आ रहे थे। अच्छा, ये भी एक, जब मैं नई नई इस कंट्री में आई हूँ ना, तो मैंने इस चीज़ को भी किया है कि जितनी आपको गाड़ी की यहाँ पे एक सीखने की ज़रूरत है ना, जैसे आपको गाड़ी के टेस्ट देने पड़ते हैं, उसको लर्नर पास करना पड़ता है, उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है, तो सेम इसी तरह ही बाइक्स की भी जो है आपको लर्नर भी लेना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको दूसरा भी टेस्ट पास करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि बस बाइक ख़रीद ली और बाइक चला रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है इसका भी यहाँ पे ना, और इसका प्रॉपर एक यूनिफॉर्म की तरह इसके कपड़े होते हैं। आप कुछ भी पहन के नहीं यहाँ पे निकल सकते, हेलमेट पहनना होता है, और प्रॉपर यहाँ पे बाइक्स जो हैं उनके प्रॉपर एक सिस्टम होता है।
तो हम लोगों ने एक हेवन क्रॉस कर लिया था, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे एप्पल ग्रीन में। हम लोगों ने चाय लेनी थी, सैंडविच वगैरह लिए यहाँ से, और लेने के बाद उसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को साथ साथ टाइम भी इसलिए शो करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो कि हम लोगों ने कब सफ़र स्टार्ट किया था। तो 10:15 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी 1:15 हो गए हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। और उसके बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं बिल्कुल नॉर्थ की, बिल्कुल हम लोग पहुँचने वाले हैं, तकरीबन हाफ एन आवर की है डिस्टेंस पे। और उसके बाद फिर आगे नॉर्थ का स्टार्ट हो जाएगा बॉर्डर। यहाँ पे प्रॉपर बॉर्डर का कोई हिसाब नहीं है, पहले था, जब मेरे हस्बैंड बताते होते हैं कि एक ज़माने में था तब गार्डा भी होती थी और चेकिंग भी होती थी, चेक पॉइंट होता था प्रॉपर यहाँ पे, लेकिन अब इतना ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है। और जब आप इस तरह का कोई सफ़र करें तो अपना JNIB कार्ड अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इन केस कोई पता नहीं होता है कि अगर आपको कुछ ट्रैफिक में और इस तरह कोई रोक ले, तो एटलीस्ट आपके पास अपना JNIB कार्ड ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये कंट्री चेंज हो जाती है यहाँ पे, मतलब ये UK के साथ हो जाता है, तो इसलिए बहुत ख्याल से ही जो है ना वो सफ़र करना चाहिए। वैसे इतनी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी जो है वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे साइंस वगैरह चेंज हो गए हैं, तो ये हम लोग UK में एंटर हो गए हैं। ये देखिए, ये अरमा का साइन आ गया है। और इसके अलावा यहाँ से हम लोग जो है आगे निकल जाएंगे मोटरवे पे, मोटरवे पे आएंगे, क्योंकि ये हम डिफरेंट वे से आए थे। हम लोगों ने अपने जो होटल का जो था ना, जो हमारा BnB था, उसका हमने अपने नेविगेशन में डाला था, तो उसके हिसाब से फिर हम ट्रैवल कर रहे थे। अगर हम लोगों ने स्ट्रेट अपने फैमिली के घर जाना होता तो हम लोगों को डिफरेंट वे से जाना पड़ना था, तो ये हम लोग को सीधा मोटरवे पर लेके गया था। और मोटरवे से उसके बाद फिर आगे ईजी था जो है हम लोगों को हमारे होटल तक जाने के लिए। तो ये देखें, यहाँ पे ये आयरलैंड से बिल्कुल डिफरेंट साइन हो गए हैं, और आयरिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है साइन। यहाँ पे भी तकरीबन एक है, बिल्कुल वैसे ही है, ग्रीनरी और सब कुछ सिस्टम वही है। बस ये है कि साइंस चेंज हो गए हैं, लैंग्वेज चेंज हो गई है, वहाँ पे आयरिश थी, यहाँ पे ब्रिटिश स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा करेंसी चेंज हो गई है, और घर भी तकरीबन जो है यहाँ पे डिफरेंट ही हैं अभी ये, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के एंड पे था, बिल्कुल बॉर्डर पे था, मतलब दोनों बॉर्डर मिले हुए थे, तो इस वजह से घर जो हैं वो UK के और आयरिश के ये सेम सेम ही लग रहे थे। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम UK में बिल्कुल जैसे हम नॉर्दर्न आयरलैंड में जाते हैं, तो वहाँ पे घर जो हैं वो UK की तरह ही बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का रात का ट्रैवल ही तकरीबन ऑलमोस्ट रहा है। नेक्स्ट डे जो थी वो मैं बेलफास्ट चले गई थी, तो मैंने बेलफास्ट की आपकी लिए वीडियो बनाई है, और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर मैं रात का सफ़र ना ना होता तो मैं आप लोगों को वहाँ पे घरों का भी थोड़ा सा भी ज़रूर दिखाती, और कुछ क्योंकि फैमिली, हम लोग फैमिली विज़िट करने आए थे, तो इस वजह से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को साइंस वगैरह दिखा रही हूँ यहाँ पर, और ये मोटरवे पे हम लोग आ गए थे, और उसके बाद फिर आगे का जो सफ़र है वो कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद सीधा जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने होटल में। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मैं आप लोगों को बेलफास्ट का दिखाऊंगी। Thank you.
तो आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। With your love, find my rest and I